गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेज ब्लॉग यानी डरसना ब्लॉग। तो स्वागत है आज दिन भर का ब्लॉग में आप सभी लोगों को। आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ आज, और इस वीडियो में आप लोगों को क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी हूँ वाटिंग पे मौसा मौसी का घर में, कल ही आया था रात में। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 14 फरवरी का वीडियो अपलोड कर नहीं पाया और इसको मैं एडिटिंग करके रखा हूँ, तो आज नहीं तो कल इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं मेरा जर्नी किस तरीके से होने वाला है, मैं कैसे जाऊंगा जोरहाट तक, वो आप लोग देखिए और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और मैं जोरहाट एयरपोर्ट क्यों जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है, सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा का पूरा। तो मेरा साथ जाने वाला है मौसा, ये है घर मौसा का। तो मौसा मेरा साथ जाएगा गोलाघाट तक, गोलाघाट टाउन तक। वो मुझे वहाँ पे छोड़ के आएगा। मैं घर से भी आ सकता था लेकिन घर से मैं नहीं आया, तो यहाँ से जाने वाला हूँ। तो मौसा मुझे अभी सोने के लिए जाने वाला है गोलाघाट टाउन तक, वहाँ से वहाँ पे फिर से मैंने गाड़ी लेकर के जोरहाट तक जाने वाला हूँ। तो आज ट्रेवलिंग होने वाला है और साई पे रहा हूँ। मामी और मौसी मुझे बोल रहा है कि कुछ खा लो, मुझे खाने के लिए मन नहीं हो रहा है यार, ऐसे यार डर लग रहा है मुझे, क्यों पता नहीं। तो यही है मौसा, ठीक है। अभी वो गाड़ी घर से निकाल होकर के लेके आया रोड पे, वो है मौसी। तो चलिए अभी मौसा और मैं जाने वाला हूँ गोलाघाट टाउन तक, और मुझे वहाँ पर छोड़ने के लिए भी मौसा जाने वाला है। चलिए आप लोग मौसी, बाय बाय। अभी मौसी का बेटा सोया हुआ है, उसको मैंने बुलाई नहीं, वो रात तक पढ़ रहा था। तो चलिए यार, मेरा सफ़र वाटिंग से हो रहा है। मैं घर से भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, मौसा का घर से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। चलो लोग देखिए गोलाघाट टाउन का नज़ारा। हाँ, सुबह के समय में या 8-9 बजे में तो यहाँ पे गाड़ी का लाइन लग जाता है और इस रोड से जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अभी जाने वाला हूँ फिंगर्स से, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा देखेंगे, और नहीं तो हम बस से निकला जाएंगे। तो फिर इस रोड से उतार हूँ ना, यहाँ भी अभी सुबह के समय है इसलिए जा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ दोपहर या 8-9 बजे में हुआ होता तो यह मुश्किल यहाँ पे यहाँ से इस रोड से आने के लिए।
बस मिल गया है और सामने है बस, तो जरूरत जो हाँ बोर्ड साइली बोर्ड साइल लेके ना एक तो इस बस से मैं जाएंगे तो चलिए अभी बस पे उठ जाता हूँ। और सभी लोग कोई कोई लोग ऐसा ड्रेस कर रहे हैं तो मेरा हालत भी खराब है। तो ये बस नहीं यार दूसरा कोई, तो चलिए यही है बस स्टैंड। और यहाँ पे या सुबह के समय पे है इसलिए भीड़ कम है, लेकिन बाकी सारा समय पे या बहुत भीड़ होता है। प्रमाण ना दिया दो आईकॉन एकॉन चलिए गाड़ी तो मिल गया है। हाँ ये देखिए जोरहाट लिखा हुआ है, तो ऐसे यार एक चक्कर लगा लेता हूँ पहले। हाँ और लोग अभी मुझे ही देख रहे हैं यार सभी लोग, मैं अजीब सा ऐसा देख रहा हूँ या मैं मोबाइल पे मोबाइल को हाथ में लेकर के वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे देख रहा है या दूसरा कुछ वजह है मुझे नहीं पता। चलो अच्छा ही है, अभी मैं इस गाड़ी पे जाने वाला हूँ। चलिए और गाड़ी पे उठ ही चुका हूँ, तो जिस गाड़ी पे मैंने पहले उठा था वो लेट से जाने वाला है, तो अभी अभी जाएंगे ये गाड़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उठ गया। तो खिड़की को मैं पहले खोलता हूँ, नहीं खुल रहा है। चलो अभी हवा आएगा, खुद को ये अजीब सा लग रहा है। चलिए मैं कोशिश करूँगा जितना उसके आप लोग को दिखाने के लिए, तो पीछे माहौल देखिए और आगे आप लोग देखिए। हाँ तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ जोरहाट टाउन। तो जिस बस से मैंने आ रहा था ट्रेवल करके, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सॉन्ग लगा हुआ था, मैं इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। और सॉन्ग किसको अच्छा लगता नहीं है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम लोग वीडियो बनाता हूँ ना, और वीडियो बनाने में जो सॉन्ग लगा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट आने का चांस होता है। कोई कोई ऐसा सॉन्ग है कॉपीराइट फिल्म नहीं आता है, लेकिन कोई कोई ऐसा सॉन्ग अच्छा लगता है। तो अभी एक टेम्पो में उठ चुका हूँ और यहाँ से बेल सबसे पहले जाएंगे बोलवा बोलवा सैल ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ बोलवा सुपर सैल ऐसा कुछ, तो वहाँ से हमें सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। हाँ तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ बोरुआ साड़ी अली ऐसा कुछ बोलता है इस जगह की। तो अभी मैं टेम्पो पकड़ लेंगे और टेम्पो में ही जाएंगे, अच्छा लग रहा है यार। तो नज़ारा देखिए आप लोग, तो किसी को शायद बुरा लगेगा इसको मैं खा रहा हूँ ना, ऐसे ही खा रहा हूँ यार अच्छा लगता है। तो मेरा साथ कोई ऐसा साथी नहीं ना किसी से बात करने के लिए, इसको ऐसे मुंह में लेकर के रखा हूँ। तो चलिए यार मुझे बहुत दूर से ये वाला आ रहा है, तो कहाँ पे पहुँचने वाला हूँ कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मेरा पेट दर्द हो गया है, तो दर्द भी लग रहा है। हाँ पहले मैं यहाँ पे आया हूँ और जोरहाट मेडिकल भी मैंने गया हूँ, और लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहा हूँ ना, अजीब सा फीलिंग हो रहा है। चलो अभी यहाँ पे सफाई का काम हो रहा है,
एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाम हाँ हम इनके गई स्टेप 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 के तो मेरे पास बहुत कुछ समय है और मेरा फ्लाइट है 11:45 पे। ये लोग बोल रहे कि मुझे रिजर्व करना पड़ेगा गाड़ी, तो रिजर्व तो मैं नहीं करेंगे क्योंकि समय है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके जाएंगे। तो अभी मैं कौन सा जगह आ चुका हूँ मुझे पता नहीं यार, तो मेडिकल से बहुत आगे आ चुका हूँ। तो अभी मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए यार जितना हो सके वहाँ पे जाता हूँ अभी। चलिए और मैंने बुला बुला बाथरूम कॉल लिया और इतना दूर से आ रहा था ना। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जोरहाट एयरपोर्ट, ठीक है। अभी मैं मेन गेट पे हूं, तो चलिए अभी अंदर जाता हूं। और जितना कुछ मैं अभी वीडियो बना करके आया हूं ना मौसी का घर से, मौसा का घर से यहां तक, तो ये वीडियो यहां पे ही मैं समाप्त करता हूं। और अंदर जा कर के मैं आप लोगों को कितना कुछ दिखा सकता हूँ वो तो आप लोग को दिखाएंगे ही अंदर जा कर के। तो ये वीडियो अलग सा होगा, मैं घर से किस तरीके से यहाँ तक आया और मुझे कितना सारा दिक्कतें उठाना पड़ रहा, तो अंदर में जाकर के मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सभी कुछ आप लोग को जितना हो सके कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। तो अंदर जाएंगे और ये वीडियो इतना ही। तो मैं जोरहाट एयरपोर्ट से कहाँ पे जाने वाला हूँ, तो किससे मिलने वाला हूँ और क्या काम है मेरा, सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, आगे वाला वीडियो में। तो चलिए अभी मुझे भूख भी लगा हुआ है और अभी सुबह का समय है 8:10 AM, तो मैं कुछ खा पी लूँगा क्योंकि हम जो असमिया लोग होता हूँ ना, और हम ज़्यादातर रोटी ऐसा खाता नहीं हूँ, चावल खाता हूँ यानी भात, और भात खा करके हमको अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि छोटा से आज तक मैं भात ही ज़्यादातर खाता हूँ। तो चलिए आप लोग को वीडियो देख करके कैसा कुछ लगा बताना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। शुक्रिया।